Hey guys, welcome back to Lifestyle Fitness TV. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रीस्टाइलर के बारे में। तो अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है कि प्रीस्टाइलर क्या होता है, प्रीस्टाइलर लगाना जरूरी है या प्रीस्टाइलर कब लगाना है, किस काम के लिए यूज होता है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है मैं इनको इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। तो वीडियो देखने पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल पर फिटनेस लाइफस्टाइल की बहुत सारी वीडियो है जो कि अगर आप देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और साथ के साथ वीडियो पसंद भी आएगी। तो चलिए वीडियो तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन कि प्री स्टाइलर होता क्या है। प्री स्टाइलर के नाम से आप समझ गए होंगे कि प्री स्टाइलर मतलब कि हम कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाते हैं उससे पहले हम इसको यूज़ करते हैं। तो लोग इसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, टेक्स्चर देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए, तो बहुत इसके यूजेस होते हैं। तो प्री स्टाइलर लगाना जरूरी है या नहीं, या आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बालों रिलेटेड शौक है तो आप लगा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि आप उसको लगाओ ही लगाओ। मैंने भी इसलिए कभी उसको यूज नहीं किया क्योंकि मेरे को जरूरत उसकी नहीं पड़ी। मैं डायरेक्ट हेयर वैक्स या जो भी प्रोडक्ट होता है मैं उसको लगाता हूँ। पर अगर आप लगाना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्री स्टाइलर होता है, आपके बालों को बेस भी देगा और साथ के साथ फिर आप कोई और चीज लगाओगे तो बालों में अच्छी वॉल्यूम भी आएगी। तो जैसे मैंने बताया था कि ये प्रोटेक्शन के काम आता है। प्रोटेक्शन के लिए इसलिए काम आता है, जैसे हेयर ड्रायर बालों को हीट देता है तो जो प्री स्टाइलर होता है उसमें हीट प्रोटेक्टेंट होता है, जिससे कि वो हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करके रखेगा, एक कवरिंग दे देगा बालों को जिससे हमारे हीट से बाल प्रोटेक्ट रहे। और जो भी हम कोई केमिकल लगाते हैं तो उससे भी वो थोड़ा हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा प्री स्टाइलर। और दूसरा पॉइंट है कि वो हमारे बालों को स्मूथ करता है, क्योंकि जैसे कि वो एक बेस प्रोवाइड कर देता है तो जो भी हमारे हेयर क्यूटिकल्स होते हैं वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं और फिर बाकी जो भी हमें चीज़ें लगानी होती है वो सही से लग जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि वो एक टेक्स्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अगर हम कोई भी हेयर वैक्स लगाएं तो ढंग से लगता नहीं है, पर एक बार हम प्री स्टाइलर उसको लगा लेंगे तो उससे एक अच्छा टेक्स्चर आ जाएगा, फिर इजीली वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है टू ऐड वॉल्यूम। वॉल्यूम से मतलब है कि बाल आपके कुछ ज़्यादा ही खड़े हुए, जैसे कि ये नॉर्मल है तो आप थोड़े और खड़े करना चाहो तो वो चीज़ उससे हो जाती है। तो अगर हम पहले उसको एज अ बेस मटेरियल लगा लेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे बाल हमारे थोड़े अच्छे खड़े हो जाएंगे और थोड़ा लुक अच्छा आ सकता है। तो ये चार चीज़ें थी जिसके लिए प्री स्टाइलर यूज़ होता है। अब आप पूछना चाहोगे कि प्री स्टाइलर होता क्या, मतलब क्या चीज़ का प्रोडक्ट होता है ये। इसको आप चाहो तो एक सी सॉल्ट स्प्रे भी मान लो, हेयर ऑयल सिरम जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो आप उसको भी एज ए यूज़ कर सकते हो। आप हेयर मूस को भी इसमें लगा सकते हो। तो ये तीन चार तरीके मैंने वैरायटी बता दी जो कि बहुत कॉमन है, एज अ प्री स्टाइलर में यूज़ होती है। तो आप इनमें से कोई सी भी चुन सकते हो और लगा सकते हो। और मैं ये कहूँगा कि आप ग्रोसरी स्टोर, बिग बाजार, रिलायंस ऐसी किसी जगह से मत लाओ, हो सके तो किसी कॉस्मेटिक के स्टोर से ही लाओ, तो वो आपको एक अच्छी एडवाइस भी देंगे और अच्छा प्रोडक्ट चुनने में मदद भी करेंगे। मैं हम प्री स्टाइलर भी लगा रहे हैं फिर एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी लगा रहे हैं, तो लगाओ तो एक अच्छी चीज़ ही लगाओ। इसलिए आप एक कॉस्मेटिक स्टोर से ही लाना है, किसी से सोच समझ के पूछ के लाना। मैंने तीन चार ऑप्शन आपको बता दी, उनमें से आप एक चुन लोगे तो सही रहेगा। हीट प्रोटेक्शन भी आपके बालों को मिल जाएगी, फिर हेयर ड्रायर भी लगाओगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।